A very good afternoon. Myself Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. Welcome in our Doctor Live. आज हमारे साथ हैं Dr. Kumar Parvez, Consultant ENT Specialist, Felix Hospital. Welcome sir. Welcome in our Doctor Live. आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कान के इन्फेक्शन के बारे में, जिसमें डिजीज का नाम है ओटाइटिस मीडिया. तो सर, ये कान का जो इन्फेक्शन है, ये क्या है, क्या इसे कहते क्या है, किस वजह से होता है ये ओटाइटिस मीडिया? जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ओटाइटिस मीडिया. ओटाइटिस, ओटो मीन्स ईयर, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, और मीडिया मीन्स मिडिल ईयर. तो मिडिल ईयर के इन्फेक्शन को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं. ड्यूरेशन के हिसाब से ओटाइटिस मीडिया को हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कह सकते हैं, जब ड्यूरेशन लेस देन 3 वीक हो. और मोर देन 3 मंथ ड्यूरेशन है तो उसको क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं. ओके सर, किस वजह से होता है, क्या कॉजेज रहते हैं इसके? तो जैसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी होती है स्ट्रेचिंग ट्यूब डिसफंक्शन, और दूसरा होता है कि ट्रॉमेटिक परफोरेशन वगैरह. तो स्ट्रेचिंग ट्यूब डिसफंक्शन के कोज मेनली बच्चों में एडिनोइड इन्फेक्शन, गले में बार बार इन्फेक्शन होना, या एडल्ट में नेजोफेरिंग्स वाले एरिया में मांस इकट्ठा हो गया, तो उस वजह से स्ट्रेचिंग ट्यूब डिसफंक्शन हो सकता है. ट्रॉमेटिक में जैसे हम मेटेलिक कोई ऑब्जेक्ट कान में इचिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इन्फेक्टेड हुआ और ट्रॉमेटिक परफोरेशन हो सकता है, तो वो ओटाइटिस मीडिया लीड कर सकता है. ओके सर, कैसे किसी को पता चलता है कि उन्हें कान का इन्फेक्शन है? आई मीन क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? बेसिकली ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं तो उनका मेन सिम्टम होता है कान में दर्द होना, कान से पानी आना और कम सुनाई देना. किसी किसी को कभी कभी पेशेंट को चक्कर आना, चेहरा तिरछा होना, ये भी सिम्टम हो सकते हैं. ओके सर, डायग्नोसिस की अगर बात करें तो इस इन्फेक्शन को कैसे डायग्नोस किया जाता है? क्या कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है या जस्ट फिजिकल एग्जाम? जस्ट ओनली क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और आजकल एंडोस्कोप हैं जिससे हम क्लिनिकली एंडोस्कोपी से ईयर में डिस्चार्ज, ईयर का परफोरेशन को हम डायग्नोस कर सकते हैं. बाकी हियरिंग के लिए हम एक प्योटोन ऑडियोमेट्री टेस्ट कराते हैं जिससे हम पेशेंट के हियरिंग टेस्ट का असेसमेंट कर सकते हैं. ओके सर, ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शंस हैं? क्या ये हमेशा सर्जिकल रहता है या इट्स कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में? जैसे मैंने बताया कि ईयर ओटाइटिस मीडिया को हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में डिवाइड करते हैं, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में. एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का जो मेन ट्रीटमेंट है वो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं. किसी किसी में 2 या 3 वीक्स के बाद भी रेस्पॉन्स नहीं आता है और ईयर ड्रम के पीछे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसको ओटाइटिस मीडिया भी डिफ्यूजन कहते हैं. उसमें हम ईयर ड्रम में परफोरेशन करके एक ट्यूब डालते हैं, जिस प्रोसीजर को हम लैरिंगोटमी कहते हैं. तो बेसिकली एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है, लेकिन क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको हम सर्जिकली मैनेज कर पाते हैं. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर जितनी जल्दी, अगर आपको कुछ सिम्टम्स जैसे आपने बताए वो अगर आपको हैं, तो आप इमिजिएटली कंसल्ट करें अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से, क्योंकि उसका एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रहेगा. आपको 5 से 6 दिन की मेडिसिन दी जाएगी, कोर्स होगा और आप ठीक हो जाएंगे. अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस, आपका कहने का मतलब है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. ओके सर, क्या इसको प्रिवेंट करने के भी कोई सोर्स होता है कि हम ये ओटाइटिस मीडिया ना होने दें? मैं मेनली जब भी सोर थ्रोट है तो आप अपनी होम और ईयर में कोई ब्लॉकेज लग रहा है तो होम रेमेडी यूज ना करें. ऑयल मोस्ट कॉमनली इस एरिया में ऑयल को यूज करते हैं, कान में गर्म करके ऑयल डाल देते हैं, उससे और इन्फेक्शन बढ़ता है. तो अपने ईएनटी डॉक्टर से चेकअप कराएं जब भी सर्दी जुकाम हो रहे और कान में ब्लॉकेज सेंसेस. सर, अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उन पेशेंट्स के साथ जो एक्यूट स्टेज पे इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते? एक्चुअली एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में ड्यूरेशन के हिसाब से.
लेकिन जब क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया को भी नेगलेक्ट करते हैं पेशेंट, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा टेम्पोरल कॉम्प्लिकेशन, मतलब कान के हड्डी के बाहर की कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जैसे कान के आगे, कान के नीचे, कान के पीछे स्वेलिंग इकट्ठा हो जाती है, जिसको एब्सेस बोलते हैं, पस इकट्ठा हो जाता है। उसके अलावा चेहरा तिरछा होना, फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, लैब्रिंथाइटिस में चक्कर आने की कॉम्प्लिकेशन होती है, पेशेंट को सुनना कम हो जाता है, और इवन ब्रेन में इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, मैनिंजाइटिस हो सकता है, या ब्रेन एब्सेस भी हो सकता है। तो अपने ईयर को इतना इजीली ना ले कोई इन्फेक्शन को, जब भी कुछ इन्फेक्शन हो तो अपने ईएनटी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो आज आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें समझाया कि कान का इन्फेक्शन किस किस वजह से होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको सिम्टम्स कुछ दिनों में पता चल रहे हैं तो अपने ENT स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं कि कान में दर्द है कुछ नहीं, और आप महीने भर उसका वेट करते रहे और घर के कुछ ना कुछ तेल वगैरह जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ और खराबी कर रहे हैं और चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अगर ओटाइटिस मीडिया के रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, हम खुद आपको कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।